आपने एक चीज़ खरीद ली, अब आपको पता है कि यार अब जिंदगी के अंदर बस अब मैंने ये खरीद लिया, अब ये अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ ठीक तरीके से चलता रहता है, अब एक काम तो खत्म हो गया पूरी जिंदगी के लिए, यार मैंने एक अवन तो खरीद लिया पूरी जिंदगी के लिए, यार मैंने घर में 3 AC 4 लगने से लग गए, अब ये काम खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज। नहीं तो वो जो इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, जिस तरीके से वो आपको चलाना चाहते हैं कि हर 1.5 साल 2 साल के बाद मोबाइल बदलेंगे, हर 4 साल के बाद आप गाड़ी बदलेंगे, हर जनाब 4 साल के बाद आपने घर का कोई AC बदला जाएगा, 5 साल के बाद अवन बदला जाएगा, 6 साल के बाद आपका फ्रिज बदला जाएगा, और आपके खर्चे बढ़ते और आप कहते रहेंगे यार जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, खर्चे पूरे नहीं होते। उसकी बुनियादी वजह ये भी हो सकती है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको शायद ये बातें पता नहीं, हमें ये बातें बताई गई थी। हमारे ज़माने में ये सस्ती चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारे ज़माने में मेरे पास कॉफ़ी मेकर्स पड़े हुए हैं, मैं कॉफ़ी का बड़ा शौकीन हूँ, इंग्लैंड के बने हुए आज तक पड़े हैं, इंग्लैंड की जो इस्त्री है वो आज तक चल रही है। अब पता नहीं शायद मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे वो ख़राब नहीं होती, लेकिन मैं लोगों को देखते रहता हूँ, इस्त्री आती हैं इस्त्री जा रही हैं, क्योंकि वो एक हमने डिस्पोजेबल चीज़ें लाइफ की बनानी शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हमारे घरों में मसले, हमारा जो बजट उल्टा सीधा हो जाता है उसकी बुनियादी वजह ये होती है। बी स्मार्ट कहते ना, बी अ स्मार्ट बायर, तो बस चीज़ें जो आपको महंगी लगती हैं वो महंगी नहीं होती, और बजाय इसके कि आप बार बार रोएं, बहुत अच्छा है कि आप एक दफ़ा रो लें। जज़ाकअल्लाह।